आपका? शीला। शीला रामसुंदर आपको क्या लगता है? हमारे पति। बात हुई सुरंग से, 17 दिनों से सुरंग में थे वो, अब निकल के आए हैं, बात हुई उनसे आपकी फोन पर? जी, जब वो सुरंग में से निकलते ही घर पे कॉल कर रहे थे तो हम उनसे बात करे। तो अब कैसा लग रहा है आपको? अब अच्छा लग रहा है। तमाम सरकारी मशीनरी, सरकार के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड सरकार, यूपी सरकार, सभी लोग लगे हुए थे इसमें, क्या कहना चाहेंगे उनको? उनको तो अपनी तरफ से धन्यवाद कहेंगे, सरकार सभी सब, मतलब जितने वो कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे थे उनको हमारी तरफ से बहुत ढेर सारे। अभी कितनी खुशी है पूरे गांव में, कितनी खुशी है? हमारा बहुत खुश हैं हम सभी, पूरे गांव, पूरे मोहल्ले में शाम को जब बाहर वो निकले इतने खुशी थे कि हम क्या कहें, पूरे मोहल्ले में खुशी के मारे झूम रहे थे। धनपति राम सुंदर आपका क्या लगता है? हमारा लड़का राम सुंदर सुरंग में फंसा हुआ था बीते 17 दिनों से, अब सब लोग निकल आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत दिल खुश। बात हुई राम सुंदर से? बात हो रहा, निकले हैं तो तब से ले गए दवाई दारू करे तो नहीं बात हो है, अब आज शायद बात करी है तो बात हुई वे करी। तो दीपावली कब मनाई आपने? दीपावली संजय के डाक दिन दिया, सब डागेन गोला तमाशा सब हुआ, सब खुशी खुशी सब सभी गांव भर के लड़के आए गए, सब डा गए भैया हमारे लाए गोला, सब चीज सब बढ़िया से खूब खुशी से दिल खूब मनाए हैं, संजय के निकल गए कह के। अब सोनू की माँ है, आपका बेटा 17 दिन बाद तीनों से निकल गया है, क्या कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी लग रहा है। खुशी लग रहा है, क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे? धन्यवाद देंगे जो कि मेरे बेटे को मेरे गोद में डाल दिया। जिन कर्मियों ने निकाला, जिन कारगरियों ने निकाला, उनको लाख लाख शुक्रिया करते हूँ और तहे दिल से आशीर्वाद देते हूँ कि वो मेरे बच्चे समान है, वो मेरे बच्चे को निकाल दिया। बेटे से बात हुई आपकी? हाँ, हमारे बाबू से बात हुई। कितने घंटे पहले बात हुई थी? 1 घंटा पहले बात हुई। क्या कह रहे थे वो आप? वो बोल रहे थे कि मम्मी मैं बहुत सुरक्षा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो चिंता मत करो मैं आ जाऊँगा। कब तक आने की बात की उन्होंने? 2 दिन के बाद बोला कि मैं आ जाऊँगा। गाँव आ रहा है? हाँ। संतोष आपके क्या लगते हैं? हमारा लड़का। अच्छा, बड़ा लड़का बाहर निकले हैं, सुरंग के बाहर निकले इतने दिनों बाद, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, कैसा लग रहा है? फोन पे बात हुई? हाँ, फोन पे बात हुई है 4 बजे, अब भी मैंने 4 बजे फिर बात हुई है, मैंने अस्पताल पे है यही कि मैंने अस्पताल में है भर्ती, मैंने वो हमारा भाई मैंने बाहर है, मैंने तो हम कह ठीक है, मैंने अब बात भाई कैसा लगा? आप लोग खुशी मनाए तो? हाँ, खुशी मनाए हन, मैंने दीपावली फिर से मनाए हन, मैंने दीपक उपक मैंने जला है, वो गोला वाला डगा है। कौन गया है यहाँ से लेने? कोई गया? हमारा छोटा लड़का। अच्छा, अशोक। संतोष फंसे रहे, अशोक गए रहे आने। तो जो टीमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं, जो उनको निकाली हैं, प्रधानमंत्री भी लगे हुए थे इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो उनको क्या बोलेंगी, धन्यवाद देंगी? हाँ, धन्यवाद उनको, बहुत सहायता कीन है, बहुत ऊंचा रातों दिन मने उन्हों सभे मने वह पर मने लाग रहे है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल में था अभी उद्धार हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, हमें अच्छा लगा कि वो निकल गए, 17 दिन तक हमने इंतजार किया, बहुत लंबा होता है 17 दिन, आधा महीने से भी ज्यादा है। हम चाहते वहाँ के जो सरकार है, पुष्पर सिंह धामी जो आगे मुख्यमंत्री जी है, हम उनसे निवेदन करेंगे, उनका जो भी मेडिकल वो करना चाह रहे वो करके घर भेज दे, बस हमें ही कहेंगे। 17 दिन कैसे बिता? 17 दिन तो हमें बहुत ही, मतलब क्या कहे, हम बहुत ही टेंशन था, क्योंकि कोई भी परिवार का होता, आपका होता, आपको भी होता, हर व्यक्ति का ऐसा होता। आज उनसे बात हुआ? नहीं, हम बात नहीं कर पाए, घर में सबने बात किया, हम बात करेंगे अभी थोड़ी टाइम बाद, कॉल करेंगे। कैसा है वो? हाँ, वो तो अच्छे है, सब बताया भैया ने, बताया भैया है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा अच्छे है। अभी इतना है तो एम्बुलेंस में उनको ले गया गया है, एम्बुलेंस में बैठा कर उनको स्टेटमेंट भी लिया गया है, तो वो बात सुन के मेरे दिल में ऐसा आनंदित तो लगा है, मतलब बोल नहीं सकता है, तो इसलिए मैं इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार और हमारा असम सरकार यानी BTC सरकार से, मेरा इतना ही।